प्रेस थीम से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं कस्टमाइज का। तो हमने साइट आइडेंटिटी और लेआउट के अंदर आपको कंटेनर, हेडर, प्राइमरी, नेविगेशन, साइड बार और फुटर समझा दिए हैं। आज जो बात होगी वो ब्लॉक फंक्शन से रिलेटेड होगी, केवल इसी पे बात करेंगे। तो ब्लॉक क्या है और इस फंक्शन का यूज कब किया जाता है और आखिर जनरेट प्रेस थीम को कस्टमाइज करने में इसका रोल क्या है। तो जनरेट प्रेस थीम में ब्लॉक फंक्शन जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यूस रिस्ट क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता दूं, आखिर ये फंक्शन काम क्या करता है। दोस्तों ये काम केवल ब्लॉक पे ही काम करेगा, ना कि साइट पर। अगर आपका वेबसाइट का लेआउट है तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये ब्लॉक पर काम करेगा। सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, करंट टाइप। तो करंट टाइप है एक्सपर्ट और फुल कंटेंट। यानी कि दोस्तों जब आप यहाँ पर, जैसे कि मैं साइट को ओपन कर लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट आ रही है। तो पोस्ट अभी यहाँ पर एक्सपर्ट पे है ना, यानी कि पूरा कंटेंट नहीं, कि पूरी पोस्ट नज़र आए नहीं आ रही, थोड़ा आ रहा है। जब हम रीड मोड पर क्लिक करेंगे तो फुल कंटेंट आने लगेगा, ये देखिए, है ना, ये देखिए हम पूरा पढ़ सकते हैं। और जब हम फुल मोड, रीड मोड नहीं करते तो इतना ही कंटेंट हमारे सामने आता है कि आप अच्छा लगे तो रीड मोड करके इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी में कि आप जब भी साइट पर कोई विजिटर आता है तो आप उसे यहाँ पर एक्सेप्ट के हिसाब से दिखाना चाहते हैं कंटेंट को, या फुल दिखाना चाहते हैं, जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। तो अभी ये सिलेक्ट है एक्सेप्ट के हिसाब से, तो मैं यहाँ फुल कर दूंगा तो फुल आएगा, ये देखिए ये आने लगा। जैसे मैं यहाँ पब्लिश करूँगा, पब्लिश करने के बाद मैं बैक जाऊँगा और यहाँ रिफ्रेश करूँगा अभी इस तरह, तो देखिए फुल में आएगा, जितने भी आर्टिकल है सब फुल में आएंगे, ये देखिए आने लगे, ये देखिए सेकंड वाली पोस्ट भी देखिए ये आने लगे, ये देखिए। अगर यहाँ पर आपको एक्सेप्ट चाहिए तो यहाँ पर इस पर आप सिलेक्ट करेंगे और पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद जो आपकी पोस्टें आ रही हैं रेगुलर, है ना, तो वो इस तरह से नहीं आएंगी। एंड यहाँ रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद देखिए पहला जैसा हो गया, ये देखिए, है ना। तो विजिटर को आपको कैसा पूरा कंटेंट चाहिए कि थोड़ा कंटेंट दिखाए, उसके बाद रीड मोर पर क्लिक करके वो कंटेंट पढ़ सके। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है ना, तो ये भी ये वाला फंक्शन हमारा इनेबल है, इसीलिए है ना फुल करना है फुल कर सकते हैं। दोस्तों जनरेट प्रेस थीम ने आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप कंटेंट किस तरह का टाइप रखना चाहते हैं, कि अपने विजिटर को फुल दिखाना चाहते हैं, एक्सपर्ट में दिखाना चाहते हैं। कोई कोई थीम ऐसी होती है जहाँ पर ये फंक्शन नहीं होता, तो वर्डप्रेस के अंदर ये सेटिंग भी अवेलेबल होती है। तो कहाँ होती है, तो हम देखिए डैशबोर्ड को ओपन करते हैं एंड यहाँ सेटिंग पे आते हैं। सेटिंग पे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मिलेगा रीडिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है फुल रिच पोस्ट इन फीड इंक्लूड एक्सपर्ट या फुल वेट। तो आपको पूरा अपने आर्टिकल को, विजिटर को दिखाना है कि एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस सेटिंग कर सकते हैं। तो जनरेट प्रेस थीम में इस फंक्शन का यही काम है ब्लॉक का। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।